सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सौ करोड़ लोग सुन चुके मोदी के मन की बात, 23 करोड़ लोग इसके रेगुलर लिसनर्स हैं। आई एम रोहतक स्टडी। पीएम मोदी ने कोची में पैदल रोड शो किया, यूथ कार्यक्रम में बोले, पिछली सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, हमने अवसर पैदा किए। सरकारी कंपनियों से पीएम केयर्स को 2913 करोड़ मिले, इनमें से 57 कंपनियों में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप इन्हें 40 सीटें देना। सुप्रीम कोर्ट में ललित मोदी के खिलाफ अवमानना केस रद्द, बिना शर्त के मांगी माफी थी, कोर्ट ने कहा दोबारा गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक दल भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे जंतर मंतर, कांग्रेस नेत्री डिसूजा के गले लगकर रोई साक्षी मलिक। वाईएस शर्मिला ने पुलिस वाले को चढ़ा थप्पड़, अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे 14 दिन, 3 परीक्षाओं को किया गया रद्द। जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने पर जेपी नड्डा ने कसा तंज, बोले पार्टी छोड़ने वाला कोई भी नेता फलाफूला नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कर्नाटक में कांग्रेस विकास नहीं बल्कि एटीएम ढूंढ रही है, लियांगत मुद्दे पर विद्या बयान। महाराष्ट्र में गरजे केसीआर, भारत को बदलने के लिए अलग तरह की सोच की जरूरत, वीआरएस सभी लोगों के लिए है। एनसीपी नेता अजित पवार की मांग, 2 से ज्यादा बच्चे वाले सांसद विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए रोक। संजय राउत बोले एमवीए मजबूत, शरद पवार के बयान का तोड़ा मरोड़ा गया है, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। पश्चिम बंगाल में एएसआई रैंक के 4 पुलिस अधिकारी हुए निलंबित, नाबालिग के शव को घसीटने के मामले में कार्रवाई। तमिलनाडु में शादी बारात में परोसी जा सकेगी शराब, सरकार स्पेशल लाइसेंस देगी, 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा। बंगाल के बीरभूम में साधु का शव मिला, भाजपा का आरोप, चरमपंथी संगठन का काम, गैंगस्टर अतीक की हत्या का बदला लिया। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं देश हित में करूंगा काम। आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मिले अखिलेश यादव, बोले भाजपा ने आदिवासियों को जंगल जमीन से उजाड़ा। बरेली में महापौर के लिए 15 नामांकन, 80 वार्ड में पार्षद पद के लिए 568 दावेदार, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 60। काशी में गंगा पुष्कर महाकुंभ, 80 से दशाश्वमेध घाट तक 12 दिन, पुष्करालों में 12 लाख श्रद्धालु करेंगे पिंडदान।
प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से मौत, विश्व सुरक्षित रात में होटल में खाना मंगवाए लेकिन खाया नहीं। सुल्तानपुर में नपा में लड़ाई से बाहर, सपा कांग्रेस का भाजपा से हुआ सीधा मुकाबला, एआईएमआईएम प्रत्याशी ने भी बढ़ाई समाजवादी उम्मीदवार की मुश्किलें। उन्नाव में 6 साल बाद पूर्व विधायक कोर्ट से बरी, आचार संहिता उल्लंघन का था मामला, 2017 में एसडीएम ने दर्ज कराया था मुकदमा। कानपुर में मोबाइल बाजार में आग, शिव मार्केट में लगी आग, बेसमेंट के एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जली। मुरादाबाद में युवक की गला रेतकर हत्या, कातिल ने गले, पीठ और पेट पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, पाकबड़ा जंगल में मिला शव। प्रयागराज में तालाब में डूबे दो चचेरे भाई, नहाते समय गहरे पानी में चले गए, परिवार में इकलौते बेटे थे दोनों। गाजीपुर में डीएम एसपी ने प्रत्याशियों संग बैठक की, आचार संहिता का पालन करने की अपील, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक की मौत, एसएनएमसी के रेडियोथेरेपी और स्त्री रोग विभाग ने 4 लोगों को अवेयर किया है। हसनगंज में 20 घंटे से 50 गांवों की बिजली गुल, 50,000 से अधिक उपभोक्ता परेशान, जिम्मेदार नहीं उठा रहे हैं फोन। हाथरस में लापता मासूम की मिली लाश, 3 दिन पहले हुआ था लापता, रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला शव। चुनाव में प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे मनमाना खर्च, चेयरमैन 9 तो सभासद 2 लाख कर सकते हैं खर्च, रालों से सबसे ज्यादा 6 करोड़ की संपत्ति। गोला में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर, घर वापस लौट रहे थे दोनों। सपा नेता सहित 14 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मेरठ में पुलिस व गो तस्कर की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 फरार, गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मैनपुरी पुलिस ने फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार, वैवाहिक वेबसाइट पर युवतियों को शादी का झांसा देकर करता था ठगी। संभल में डंपर से टकराकर रोडवेज बस पलटी, एक यात्री की मौत, आधा दर्जन घायल, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ा, मारपीट कर किया घायल, गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, कारोबारी की मौत, ज्वेलरी देकर घर लौट रहा था। ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने पर 250 पर एफआईआर, ईद के दिन सड़क पर पढ़ा था नमाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में मुस्लिम वार्डो में भाजपा की सेंधमारी, पुलिस वार्डो में मुस्लिम वार्डो में भाजपा ने उतारे 21 प्रत्याशी, बिगाड़ेंगे सपा का गणित। शामली में बसपा प्रत्याशी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, रोड पर जाम लगाकर की सभा, जुलूस निकालकर आतिशबाजी भी की।
प्रयागराज में धूल भरी आंधी से जीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई इलाकों की बिजली रही गुल, बूंदाबांदी से लुढ़का तापमान। नगर पालिका चुनाव की बड़ी सरगर्मियां, रविंद्र जायसवाल बोले नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना रहेगी हमारी प्राथमिकता। मिर्जापुर में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 35,000 लगाया जुर्माना, 8 साल बाद आया फैसला। चंदौली में पड़ोसी के घर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले पड़ोसी की बहन बहनोई ने लिया था पैसा, लौटाने न पड़े इसलिए मार डाला। एटा में बीजेपी के उम्मीदवारों ने किए नामांकन, प्रभारी मंत्री बोले पूरे प्रदेश में सभी उम्मीदवार ऐतिहासिक वोट से जीतकर शपथ लेंगे। धामी ने हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुड़ा को किया याद, बोले पहाड़ के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। चारधाम यात्रा मार्गों पर 50 हेल्थ एटीएम का हुआ लोकार्पण, सीएम धामी ने किया हेल्थ एटीएम का लोकार्पण। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 72 घंटे से बर्फबारी के बावजूद आज 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन किए हैं, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते यात्रियों को लौटाई यमुनोत्री में, तीर्थयात्री की मौत, बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के प्रशासन ने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए बैंकेट हॉल, धर्मशाला और विश्वविद्यालय भी आरक्षित किए गए हैं। उत्तराखंड के कालिंदी अस्पताल को 5 साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, आयुष्मान योजना में किया फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड वनों में 80% धार्मिक अतिक्रमण, कुमाऊं में कार्यवाही के नोडल अधिकारी ने डाला डेरा। उत्तराखंड के सीएम धामी की घोषणा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात एसडीआरएफ कर्मियों को मिलेगा 1500 तक जोखिम भत्ता। उत्तराखंड में 10 जून तक होंगे सभी विभागों में कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले आदेश जारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शराब के ट्रेटा पैक पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए, बिक्री पर लगाई रोक हटाई गई। उत्तराखंड शासन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी का प्रस्ताव लौटाया, वित्त विभाग ने जताई थी आपत्ति। उत्तराखंड का माड़ा अब देश का अंतिम नहीं पहला गांव, पीएम मोदी के कहने के बाद लगा नया साइन बोर्ड। उत्तराखंड में 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, 10 दिन अंदर 3 को पकड़ा गया है। उत्तराखंड में अगले हफ्ते खराब रहेगा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी। आसमान की आफत, पृथ्वी की ओर आ रहा कुतुब मीनार से 6 गुना से अधिक बड़ा एस्ट्रोराइड, 62,000 किलोमीटर की होगी रफ्तार। पाकिस्तान में थाने पर आत्मघाती हमला, 12 पुलिसकर्मियों की मौत, 40 लोग घायल, धमाके में पुलिस स्टेशन समेत 3 इमारतें गिरी।
कोविड-19 की सच्चाई छिपा रहा चीन, पहली जांच रिपोर्ट ही गायब कर दी, इंटरनेशनल टीम का इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया। इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह का निधन, पाकिस्तान में जन्म हुआ था, कनाडा में आखिरी सांस ली, खुद को हिंदुस्तानी कहते थे। सूडान गृह युद्ध में अब तक 413 लोगों की मौत, 4000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, शिप एयरक्राफ्ट तैयार है। आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट यूएस और तालिबान, अमेरिकी अफसर ने कहा दोनों का टारगेट एक, मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने दी तख्ता पलट की चेतावनी, कहा देश ऐसी हालत में कभी नहीं थी, जजों ने नेताओं को रबर स्टॉम्प बना दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा, कहा सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वालों से जुड़ना मुश्किल। भारत पनामा के बीच बढ़ रहा है व्यापार, जयशंकर बोले विकसित देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की। पाकिस्तान सरकार और चीफ जस्टिस के तनाव के बीच एक ऑडियो हुआ वायरल, पाकिस्तान में छिड़ गया नया विवाद। इंडोनेशिया में भूकंप से कांपी धरती, 7.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, सुनामी का अलर्ट, सुमात्रा की राजधानी पनरांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दुबई में रिकॉर्ड 278 करोड़ में बिका रेत का प्लॉट, जुबेरा बेदीप में अल्ट्रा रिच लोग खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, यह एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। LVMH में उत्तराधिकारी की प्रोसेस तेज, उत्तराधिकारी चुनने के लिए 500 बच्चों का ऑडिशन, दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी है बनार। रतन टाटा को मिला ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित, एम्बेसडर ने कहा वो बिजनेस के दिग्गज। मारुति ने लॉन्च की फ्रॉन्क्स एसयूवी, 11,000 रुपए में कर सकते हैं एसयूवी की बुकिंग, टॉप वेरिएंट की कीमत 13.13 लाख। स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट से टेक्सास लॉन्च साइट को नुकसान हुआ है, कंक्रीट के टुकड़े बिखरे जमीन पर, गहरे गड्ढे पड़े हैं। इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च पर मस्क ने दी बधाई, ट्विटर पर लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाए थे। तीन महीनों में अरहर दाल 29 रुपए किलो तक महंगी, दिल्ली में 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। सोलह कंपनियों पर 5,000 करोड़ की कर देनदारी, बजाज एलियांज व आईसीसीआई प्रोड्यूशल को डीजीआईजीआई का नोटिस भी मिला है। घरेलू सौदे के लिए आरबीआई के जरिए देश में विदेशी मुद्रा लेनदेन को मिली अनुमति, अमेरिकी बैंक से लगे रोक। बकाया भुगतान के लिए अदाड़ी समूह ने उठाया कदम, $130 मिलियन के डेट सिक्योरिटी का बायबैक शुरू हो चुका है। पांचवें T20 में पाक को 6 विकेट से मिली हार, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन जेम्स निशन के बीच 5 विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी। जंतर मंतर पर धरने का तीसरा दिन, विनेश बोली 1000 लड़कियों का शोषण हुआ, जांच कमेटी में शामिल बबीता ने कहा मुझसे रिपोर्ट छीनी।
रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीती दिल्ली हैदराबाद को लगातार 5वें मुकाबले में हराया। अक्षर पटेल का दोहरा प्रदर्शन। पचासवें जन्मदिन पर सचिन को SCG ने दिया सम्मान। तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर रखे गए मैदान के गेट। हैदराबाद की हार से निराश एडन मार्कम बोले, एक ऐसी टीम जो जीतने के लिए उत्साहित नहीं थी। सानिया मिर्जा से तलाक की खबरों के बीच शोएब मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बोले ताल्लुकात अच्छी नहीं है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बैडमिंटन में आजमाया हाथ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रिंकू सिंह ने की इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के दौरान विराट कोहली की मिमिक्री, शुभमन नहीं रोक पाए अपनी हंसी। RCB ने राजस्थान के खिलाफ बड़ी गलती की, विराट कोहली पर लगा 2 गुना जुर्माना, लग सकता है प्रतिबंध। राजस्थान के खिलाफ मैच में भड़के मोहम्मद सिराज साथी को दी गाली, मैच के बाद RCB स्टार ने मांगी माफी। एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री ने शाहरुख की तारीफ की, बताई करियर में ज्यादा फिल्में न मिलने की वजह, बोले लोगों को मक्खन नहीं लगाना आता है। पलक तिवारी का बड़ा बयान, बोली आज फिल्में सिर्फ पैसों के लिए बन रही है, पैशन प्रोजेक्ट कम बनने लगी है, उससे नुकसान हुआ है। सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, लिखा कुछ इंच कम करने हैं इसलिए पंच कर रही हूं। रैंप पर ग्लैमरस लुक में दिखे मलाइका अरोड़ा, स्टनिंग लुक देख हुए फैंस इंप्रेस, बोले आप एक बच्चे की मां नहीं लगती। शाहरुख खान को भगवान मानती है एक्ट्रेस मधु, बोली वो मेरे पहले क्रश थे, पिता ने कह दिया था पढ़ाई करो वरना शादी करा देंगे। सास बहू और फ्लेमिंगो का ट्रेलर रिलीज, ड्रग माफिया के रोल में दिखे डिंपल कबाड़िया, बहुओं के साथ मिलकर करेंगे ड्रग्स का बिजनेस। सलमान खान के साथ हंसी मजाक करती दिखी संगीता बिजलानी, कभी खींचे गाल तो कभी प्यार से मारा मुक्का। क्लोथिंग बिजनेस में हाथ आजमाएंगे आर्यन खान, शेयर किया लग्जरी ब्रांड का फर्स्ट लुक, वीडियो में दिखी शाहरुख की झलक। फिल्म IB71 का ट्रेलर आउट, लीड रोल में नजर आएंगे विद्युत जामवाल, अनुपम खेने। 971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है ये फिल्म। फिर खुलेगा द कपिल शर्मा शो पर सपना ब्यूटी पार्लर, शो पर वापस आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक, बोले कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस